हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत सोजत रोड सरपंच लक्ष्मी कछवाहा ने की। सोजत रोड कस्बे ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को सोजत रोड सरपंच लक्ष्मी कछवाहा के मुख्य आतिथ्य में बा बापू वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उप सरपंच हेमेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी खंगार सिंह, प्रधानाचार्य अर्चना चौहान, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी सदस्य अनिल शर्मा, इंदु भटनागर, हेमराज चौधरी, मूलाराम सुमन, प्रभा शर्मा, संगीता, अनीता, आशा लोहार, ममता कलावती, मंजू, सीमा त्रिवेदी एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक ओम प्रकाश वैष्णव एवं परमानंद राजू बागवान सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस दौरान सोजत रोड सरपंच लक्ष्मी कछवाहा ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत रोड में रंग रोगन हेतु 51,000 की राशि देने की घोषणा की एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय हित में विद्यालय के विकास के बारे में प्रधानाचार्य अर्चना चौहान से चर्चा कर बालिका विद्यालय की समस्याओं को सुना एवं हर संभव शिक्षा के मंदिर में विकास करने के लिए आश्वासन दिया। सरपंच लक्ष्मी कछवाहा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बा बापू वृक्षारोपण अभियान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत शुरुआत आज की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत सोजत रोड द्वारा हरा भरा सोजत रोड हो ऐसा पंचायत प्रशासन का प्रयास रहेगा एवं कस्बे में पेड़ पौधे लगाने के लिए पंचायत प्रशासन पहले से ही प्रयत्नशील है। अब और ग्राम पंचायत सोजत रोड द्वारा कस्बे में पौधारोपण अभियान को गति दी जाएगी एवं जिम्मेदारी के साथ पौधों की सार संभाल का जिम्मा सौंपा जाएगा। अभियान के अंतर्गत सोजत रोड कस्बे में कितने पौधों का पौधारोपण किया जाएगा? 500 पौधे का रोपण किया जाएगा अपने यहाँ। अभी ये आज स्कूल में किया गया है, गर्ल्स स्कूल में, और अभी 300 पौधे हमने सुकड़ी नदी पे वहाँ लगा चुके हैं। अब 200 पौधे बाकी है जो सभी जगह जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ वहाँ लगाया जाएगा। पंचायत द्वारा जो पौधा रोपण किया गया है उनकी सार संभाल का जिम्मा आपको सौंपा गया है, तो आप किस तरीके से सार संभाल करेंगे इन पौधों की? नियमित रूप से खाद और पानी इसको दिया जाएगा ताकि वर्ष भर ये जीवित रहे और लंबे समय तक रहे। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।